नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत करछि मिलिमा प्रथम नजर पकेबा हेडलाइंस उपरे कटक चंडी छकरु कॉलेज छात्र तुषारकांत साहू निखोज घटना जोब्रा ब्यारेज निकटु ठाप होछि एक मृतदेह मृतदेहटी तुषारकांतर होइतबा संदेह घटनास्थल रे पुलिस रो तदंत जारी आज उत्तर प्रदेश पाळुछि गरीब कल्याण अन्न योजना दिवस 15 कोटी रु अधिक हिताधिकारी को मोदी को संबोधन हिताधिकारी सहित सीधा सड़क कथाले प्रधानमंत्री आवास दुर्नीति को नहीं राज्य सरकार बरसिला बीजेपी कहला प्रशासन साजिंट विजु जनता दल कर्मी मोदी सरकार विपुल परिमाण घर पठाइवा बेले अयोग्य हाथ में टिकी दि जा घर प्रेसमिट बरसिले राज्य सभापति समीर महांती पुणि सीमांत में माओतांडव छत्तीसगढ़ दांतेवाड़े बड़ धरणर विस्फोरण जवान को टार्गेट कर खंजिते आईजे शिकार हेले साधारण लोके विस्फोरण में 12 जन आहत सूचना ओएसएससी परीक्षा दुर्नीति प्रसंगे बरसिला कांग्रेस कहला पदारे पड़ा राज्य सरकार को स्वच्छता दुर्नीतिर चर क्योंठी अच्छी ओडिशावासी को अंधारे न रखी स्पष्ट करंतु राज्य सरकार टोकियो इतिहास रचिला भारत पुरुष हॉकी रे भारत को ब्रोंज 5-4 रे जर्मनी को हरेला टीम इंडिया हॉकी रे 1980 परे प्रथम थर पदक जीतिला भारत कटक चंडी छकर कॉलेज छात्र तुषारकांत साहू निखोज घटना जोब्रा ब्यारेज निकट एक मृतदेह ठाब होती तेज उक्त मृतदेह तुषारकांत संदेह करा जोब्रा निकट मृतदेह उद्धार कर ओड्राफ टीम घटनास्थल में पुलिस निखोज छात्र परिवार लोके अग्निशम टीम पहुंची तदंत जारी रखिंट उद्धार कार्य जारी रही आज उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना दिवस 15 कोटी ऊर्ध्व हिताधिकारी सहित आलोचना करिछन्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगी सरकार पक्षर् राज्यव्यापी यह दिवस पालन करपत्ति कौन जड़े भी हिताधिकारी यह योजन जमी वंचित नहबे से नहीं सचेतनता कार्यक्रम आरंभ कर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत उत्तर प्रदेश प्राय 15 कोटी हिताधिकारी मागणारे राशन सामग्री पाउछन्ते राज्यर प्राय 80,000 सुलभ मूल्य दुकान ने यह योजन हिताधिकारी खाद्यशस्य बंटन कर आज कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ उपस्थित रही थे कोरोना रे अनाथ पिलामानक पई स्वास्थ्य बीमा घोषणा करिसेंती मोदी सरकार केन्द्रमंत्री अनुराग ठाकुर तांको ट्वीट जरिया रे ए सूचना देछेंती केन्द्र सरकार को घोषणा अनुजाई महामारी हेतु अनाथ होई जाईथिबा 18 वर्ष वयस्क पर्यंत पिलामानक 5 लाख टंका मागणा स्वास्थ्य बीमा प्रदान करा जिवो प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और जरूरीकालीन परिस्थिति रिलीफ पांठिरु ए बीमा प्रदान करा जिवो प्रधानमंत्री मोदी पिलांक पई पीएम केयर्स योजना 29 मई 2021 आरंभ करते योजन से पिला अंतर्भुक्त करो मैंने कोरोना महामारी में निजर पर तथा बापा माँ को हर आवास दुर्नीति को नहीं राज्य सरकार बरसिला बीजेपी बीजेपी राज्य सभापति समीर महांती आज एक सांबादिक सम्मेलन में राज्य सरकार को टार्गेट करते बीजेपी एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधि दल भद्रक तिहड़ी ब्लक कुबेरा पंचायत और भंडारी पोखरी ब्लक गस्त करते जो आवास दुर्नीतिर छाप देखा मिली प्रधानमंत्री 2022 सुधा समस्त मुंड पक्का घर करने स्वप्न देखी से वर्तमान सुधा प्रधानमंत्री आवास योजन प्राय 30 लाख पक्का घर आंतु प्रकृत हिताधिकारी घर मिलने प्रशासन बाबदे जनइले साधारण लोक न्याय पाना दुर्नीति को प्रतिरोध कले पुलिस नाली आखि देखा अभियोग देखिकी गणमाध्यम सहित देखिकी भंडारी पोखर गोटे गोपालपुर पंचायत बाहाणिया ग्राम समाज अंतिम धाड़ी में ढड़ा व्यक्ति विशेष घर को मुझे देखिकी आसली जोटी नित्यानंद जेना कुना जेना बामदेव जेना ये 8 जन
8 ପରିବାର ଗଣ ରାତି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧି ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଦୁଇଜଣ ମୋ ସହିତ ଥିଲେ, ଦେଖିଛନ୍ତି କୋଉ ସ୍ଥିତିରେ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ସେ ଦଳିତ ପରିବାର ପାଇବେ ନାହିଁ ଘର, କ'ଣ କରୁଛି ପ୍ରଶାସନ ସେଠି। ଯଦି ପ୍ରଶାସନକୁ ଏ ବାବଦରେ ଜଣେଇଲେ ଆପଣ, ପ୍ରଶାସନ ଏଥିରେ ସିଧା ସଳଖ ଭାବରେ ଇଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରଶାସନ ସେଠି ସାଧାରଣ ଲୋକ ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ ନାହିଁ। 2022 ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ସଂସଦ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି କଂଗ୍ରେସ। ଗୃହରେ କଂଗ୍ରେସର ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ମୁଖପାତ୍ର ରବିଶଙ୍କର ପ୍ରସାଦ। ସଂସଦରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱହୀନ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ଦେଶ ଅପେକ୍ଷା ପରିବାରବାଦକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ବିଜେପି। ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପରେ ପ୍ରାୟ 50 ଧରି ଶାସନ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ ସରକାର, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେହି ଦଳର ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଆଚରଣ କିଭଳି ରହିଛି ଦେଶବାସୀ ଜାଣିବାର ସମୟ ଆସିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରବିଶଙ୍କର ପ୍ରସାଦ। ଲାଲ ବାହିନୀର ଲାଲ ଆତଙ୍କ, ମାଲକାନଗିରି ସୀମା ଛତିଶଗଡ଼ର ଦନ୍ତେୱାଡ଼ାରେ ଘଟାଇଛନ୍ତି ବଡ଼ ଧରଣର ବିସ୍ଫୋରଣ। ଆଇଡି ବିସ୍ଫୋରଣରେ 12 ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆହତମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ନିଆଯାଇଛି। ଦନ୍ତେୱାଡ଼ାର ଘୁଟିଆ ନିକଟରେ ଯବାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ମାଓବାଦୀମାନେ ବିସ୍ଫୋରକ ବିଛାଇଥିବା ବେଳେ ସେଥିରେ ସାଧାରଣ ଜନତା ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। कि भर्सना की यानी चाहिए कम है कि नक्सलियों द्वारा जो है एक सिविल बुलेटो को, जिसमें कि 12 ग्रामीण ट्रैवल कर रहे थे, जानते हुए कि ग्रामीण है, इसको ब्लास्ट कर दिया गया। तार लगा के कमांड आईडी से ब्लास्ट किया गया। आज 7:35 पे दंतेवाड़ा पुलिस वहां तुरंत घटनास्थल पर पहुँच के 3 लोग जो काफ़ी जख्मी हैं उनको रेस्क्यू किया गया है। बाकी 9 घायलों को भी एम्बुलेंस में बैठा के दंतेवाड़ा रवाना किया गया। कल हमें ग्रामीणों द्वारा सूचना दी गई थी कि नक्सली यहाँ देखे गए हैं और कुछ आईडी लगाने की सूचना थी। फोर्स को अलर्ट किया गया था, बीडी स्क्वाड मॉर्निंग में निकाला गया था। इन गाड़ी को भी बोदली में थोड़ी समझाई दी गई थी कि अभी आगे आईडी हो सकता है, लेकिन क्योंकि ये सिविल गाड़ी थी तो ये लोग कॉन्फ्रेंस में यहाँ निकल आए। और ये बहुत कम देखा गया है कि नक्सली इस तरह की घटनाएँ करते हैं, लेकिन क्योंकि लगातार फोर्स डोमिनेट कर रही है नक्सलियों को, हाथ आप देख सकते हैं पूरा बुआरपुर से लेकर बोदली तक ब्लैक टॉप सड़क बना दी गई है और लगातार ग्रामीणों का आवाजमन हो रहा है। पीछे भी आप देखेंगे बाइक में कुछ ग्रामीण जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब ग्रामीणों से बदला ले रहे हैं, क्योंकि ग्रामीणों की मदद से ये रोड बनी है, ग्रामीणों की सूचना पे पुलिस काम कर रही है। इसीलिए ग्रामीणों को नक्सली द्वारा जो है टारगेट किया गया है, और जिसमें कि 12 ग्रामीण जो है घायल हुए हैं। ଟୋକିଓରେ ଇତିହାସ ରଚିଲା ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ହକି ଟିମ୍। ଜର୍ମାନୀକୁ ହରାଇ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଜିତିଛି ଭାରତ। ଜର୍ମାନୀକୁ 5-4 ଗୋଲ୍ରେ ହରାଇ ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଖେଳ ଆରମ୍ଭର ମାତ୍ର 2 ମିନିଟ୍ରେ ପ୍ରଥମ ଗୋଲ୍ କରିଥିଲା ଜର୍ମାନୀ। ଏହାପରେ 17 ମିନିଟ୍ରେ ସିମରନଜିତ ସିଂ ଗୋଲ୍ କରି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ବରାବର ସ୍ଥିତି କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଏହାପରେ 17 ମିନିଟ୍ରେ ସିମରଜିତ ସିଂ ଗୋଲ୍ କରି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ବରାବର ସ୍ଥିତିକୁ ଆଣିଥିଲେ। ପରେ 24 ଏବଂ 25 ମିନିଟ୍ରେ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ ଗୋଲ୍ କରିଥିଲା ଜର୍ମାନୀ, କିନ୍ତୁ 3-1 ପଛୁଆ ଥିବା ଭାରତ କମ୍ବ୍ୟାକ୍ କରିଥିଲା। 27 ମିନିଟ୍ରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସିଂ ଏବଂ 29 ମିନିଟ୍ରେ ହରମନପ୍ରୀତ ସିଂ ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣରରୁ ଗୋଲ୍ କରିଥିଲେ। ହାଫ୍ ଟାଇମ୍ ବେଳକୁ ଉଭୟ ଟିମ୍ 3-3 ମ୍ୟାଚ୍ ବରାବର କରିଥିଲା। 31 ମିନିଟ୍ରେ ପେନାଲ୍ଟି ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ରୁ ଗୋଲ୍ କରିଥିଲେ ରୁପିନ୍ଦର ପାଲ୍ ସିଂ, ଏହା ସହିତ ଭାରତ 4-3 ଆଗୁଆ ହୋଇଥିଲା। 34 ମିନିଟ୍ରେ ସିମରନଜିତ ମ୍ୟାଚ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲ୍ କରି ଭାରତକୁ 5-3 ଗୋଲ୍ରେ ଆଗୁଆ କରିଥିଲେ। 48 ମିନିଟ୍ରେ ଜର୍ମାନୀ ଆଉ ଏକ ଗୋଲ୍ କରି ମ୍ୟାଚ୍କୁ 5-4 ଆଣିଥିଲା ଏବଂ ଶେଷରେ 1980 ପରେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଭାରତ ହକିରେ ପଦକ ଜିତିଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ଥର ଟୋକିଓରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ହାସଲ କରିଛି ଭାରତୀୟ ହକି ଟିମ୍। ସେପଟେ ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳର ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ପରେ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ମନପ୍ରୀତ ସହିତ ହକି ଦଳର କୋଚ୍ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ପୁରା ଟିମ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍।
आपकी बहुत दुआएं थी सर हमारे साथ, थैंक यू सर। भारतीय हॉकी दलर यह विजय पर टीम को शुभेच्छार सुअ छुटी। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भारतीय टीम को शुभेच्छा जनाई। नरेंद्र मोदी ट्वीट कर भारतीय पुरुष हॉकी टीम को शुभेच्छा जनाई। प्रधानमंत्री कहते ब्रोंज पदक जीति भारतीय टीम को शुभेच्छा। प्रति भारतीय खासकर आज युववर्ग भारतीय हॉकी टीम पर गर्वित। सेपरी केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान, अनुराग ठाकुर, निर्मला सीतारमण प्रमुख शुभेच्छा जनाई। राजधानी भुवनेश्वर ठारे जागमरा ठारे गोकुल तरफ तृतीय सब खोल जाए। ओडिया अभिनेत्री भूमिका दास जोगदे अतिथि भाव पिज्जा बर्गर ग्राहकों को जोगाई देवाई एटी व्यवस्था होता बेले 45 प्रकार नेचुरल आइसक्रीम और चॉकलेट ग्राहकों पर उपलब्ध होता क्या। समस्त को नमस्कार जनवि। फर्स्ट कथा कह कि आज इनाग्रेट है गोकुल अलरेडी तार गोटे ब्रांच आम पटियारे समस्त जाते बट जागमरा एपटा सैड्रे खुली नाला। सो आई एम रियली वेरी मच ग्लैड एंड आई विश ऑल द बेस्ट टू द एंटायर टीम जो मैंने कि पैंडेमिक सिचुएशन एमती गोटे इनिशिएटिव नहीं कि भाविले कि हाँ वी विल क्रिएट समथिंग न्यू बिकज कौटी ना कौटी लोक मैंने घरे रहीकिना बहुत बोर फिल करते भी इच्छा हुए कि एटलिस्ट कोविड टाइम के शीघ्र सर वी विल कम हियर वी विल हैव फन आम आम मनपसंद जिनस आम कमी आसिकी टाइम स्पेंड करूँ। सो या आई सॉ एंटायर लाइक इंटेरियर आरंभ करी इच एंड एव्रीथिंग इज सो ऑन पॉइंट। आई थिंक समस्त आसिक बसी पारे दे कैन हैंग आउट। कटक चंडी छकु कलेज छात्र तुषारकांत साहू निखोज घटना। तेरे वर्तमान जहाँ सूचना रही कि जुब्रा निकट एक मृतदेह को ठाब कराई किंतु मृतदेह तुषारकांत ना कहार एपर्यंत स्पष्ट हो ना बेले उधार कार्य कितु जारी रही। घटनास्थल रोड्राफ टीम ए पहुंचती पुलिस पहुंची पर लोके तुषारकांत रही कितु एपर्यंत किसी स्पष्ट हो पारना। तेज कमी चलती रेस्क्यू अपरेसन ए संपर्क अधिक सूचना पाई रही आम प्रतिनिधि इम्रान खान रही। इम्रान डेड बॉडी को बर्तन सुधा उद्धार करागला कि जड़ा पड़ला कि डेड बॉडी टी कहार तुषारकांत करो ना कहार। देखते निलंबा बर्तमान पूरा पूरी भाव परिवार लोक नयन हो पड़ता है प्रकृत में तुषारकांत साहू कौट अच्छा जेहतु से दुदिन से निखोज थे कि बर्तमान सुधा जेहतु जोबरा ब्यारेज पाखे एक शब जबत कर हस्पिटा शबटा और ओड्राफ टीम ताको उद्धार कर बर्तमान से सब आसिकी एसीपी मेडिकल पोस्टमार्टम रूम पाखे पहुंची और तुषारकांत को जो परिवार लोक रही स्पष्ट कर प्रकृत में से शबटी तुषारकांत अच्छी से पूरा भाव स्पष्ट कर पुलिस से स्पष्ट करती प्रकृत से शबटी तुषारकांत साहू को अच्छी कितु बड़ बड़ कथ हूँ जेहतु दुदिन हो गए निखोज थे कैंटनमेंट थाना एतला देते एतला आधार में पुलिस तदंत आरंभ करता स्कूटी मधुसूदन सेतु पाखे पहुंची से जबत कर स्कूटी और प्रकृत में कौन थी ए प्रकृत घटना पक्ष रहस्य कौन थी कारण कौन थी कहीं पर लोक कहते सांग सहित किसी संपर्क ठीक ना कि संपर्क खराब होता झील सांग पुव सांग उभय थे सहित संपर्क खराब थी से डाकि किसी कथ कहपूर्ण भितर होता तो प्रकृत में पर लोक अभियोग करते बोह को अपहरण कर हत्या करीधा सड़क अभियोग कर लोक अभियोग करते क्या अभियोग कर सांगों सहित एत मात्र संपर्क में तिक्तता आसी जाता जहाँफल कि अपहरण करने को पचारे नहीं अपहरण पर आज हूँ परिस्थिति कारण जदिंत जड़ा पड़नी कि हत्या ना से निजे आत्महत्या करना किए मारि फिंगी दे न तेणु एक स्पष्ट होनी जेहतु आम से संपर्क में किसी कहीपरबानी कितु पर लोकों अभोग को जब आम आधार करवा तो क्या सीधा सड़क मानने आंगु निर्देश कर
ନିହାତି ଭାବରେ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ଯିବା ତାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକ ସବୁ ଏଠି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରୁମ୍ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଶବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ରହିଛି ଏବଂ ତୁଷାରକାନ୍ତଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ସମସ୍ତେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କୁ ବା ତାଙ୍କ ତୁଷାରକାନ୍ତଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରାଯାଇକି ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଯାହାକି ସିଧାସଳଖ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଯିବା, ତାଙ୍କର ବାପା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଏ ଯେଉଁ ତୁଷାରକାନ୍ତ ଯେହେତୁ ନିଖୋଜ ଆଜି ଜବତ ହେଇଛି, କ'ଣ ଲାଗୁଛି ସନ୍ଦେହ କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ତାକୁ ପ୍ଲାନିଂ କରିକି ମରାଯାଇଛି? ମରିବା ସୁଇସାଇଡ୍ କରିବା ଛୁଆ ନୁହେଁ, କାହାକୁ କେବେ ଦୁଃଖ ଦେଇନି। ତା କଲେଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନଙ୍କୁ ପଚାରି ଦିଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରି ଦିଅନ୍ତୁ, କେବେ ବି ସିଏ କାହାର ସାଙ୍ଗରେ କେଉଁଠି ମନେ ତାକୁ ଟର୍ଚର କରେ, ତାକୁ ଡକା ଯାଇକି ପ୍ଲାନିଂ କରି ମାରିଛନ୍ତି। ଭାସି ଦିଆଯାଉଛି ଛୁଆକୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଦେଇଛୁ ପୋଲିସ, ଯେଉଁ ଝିଅ ଅଛି ତାର ଦି ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବଏଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ସମ୍ପର୍କଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବୁ। ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ରହିଥିଲା ଘଟଣା ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଅଭିଯୋଗ ସିଧାସଳଖ ଆଣିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଅପହରଣ କରାଗଲା, ତାପରେ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ତଦନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ କରୁଛି, ଶବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରୁମ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭାଇ, ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ସାଙ୍ଗସାଥି ସମସ୍ତେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ତୁଷାରକାନ୍ତଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ହୋଇଥିବ ଘଟଣା ଘଟି ପାରିବ? କ'ଣ କହିଲେ ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ ତା ଦେହରେ କ'ଣ ହେଇଛି ବୋଲି ଫୁଲ୍ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ, ବଟ୍ ଆମେ ଏତିକି ଜାଣିଛୁ ଯେବେ ମିସିଂ ହେଲା ତା ଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ହେଇଛି, ସେମାନେ ତାକୁ ମାରିଛନ୍ତି। ମାରିଲା ପରେ ତାପରେ ସେ ଘରେ ଆସିଛି, ତା ମେଣ୍ଟାଲି ସେ ଷ୍ଟେବଲ୍ ନଥିଲା ସେତେବେଳେ, ବହୁତ ଟେନ୍ସ ଥିଲା। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ପୁନମ ତାକୁ ଗାଡ଼ି ଦେଲା, ସେ ସେତେବେଳେ ତରତର ହେଇକିନା ପୁରା ଗଲା କୁଆଡ଼େ, ଆଉ ତା ଭିତରେ ସେ ଇନ୍ ବିଟୱିନ୍ ତାକୁ ତିନି ଚାରି ଥର ଗୋଟେ ନମ୍ବରରୁ କଲ୍ ଆସିଛି। ସେ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ମାନେ ସସ୍ପେକ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ତାକୁ ଡି ସମଥିଙ୍ଗ ନାଁର ଗୋଟେ କଲ୍ ଆସିଛି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଥର। ତ ସେଇ କଲ୍ ଆସି ସେ ଟେନ୍ସ ହେଇଗଲା, ଥରେ ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କରିକି ତାକୁ କହିଲା କି ହଉ ହଉ ତୁ ରଖ, ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁଛି, ଏମିତି ତାକୁ କହିଛି। ସେମାନେ କହିବା, ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ସେଇଟା, ତ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ତା'ର କଲ୍ ଲିଷ୍ଟଟା ବାହାରୁ, ଯେଉଁ ରିସେଣ୍ଟ କଲ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରିଟା ବାହାରୁ, କଲ୍ ରେକର୍ଡିଂଟା ତ ବାହାରି ପାରିବ ଯଦି ବାହାରୁ, ତା ଦେହରୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଫର୍ଦର ହଉ, ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ କଲ୍ପ୍ରେଟ୍ ଯିଏ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସିଏ ଦୋଷଟା ପାଉ। ସେ ପ୍ରକୃତ ଡି କିଏ ଓ ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ଆପଣ କଲ୍ପ୍ରେଟ୍ କାହାକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି, କାହା ସତ୍ୟ ପ୍ରତିଶୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସୁସ୍ଥତା ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିଥିଲା, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଥ ସେ ଘରୁ ଗଲା ଏବଂ ସେଠି ଯେହେତୁ ସ୍କୁଟି ତା'ର ଜବତ କଲା? ସିଏ ତା'ର ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ଗୋଟେ ପିଲାର ସଦାବେଳେ ଦୁଇଟା ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଥାଏ, ଘର ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅଲଗା ଗୋଟେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରେ। ତ ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁଟା ସେ ଆମକୁ ଏତେ ବି କିଛି ତା'ର ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ହଉ ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ହଉ ସେସବୁ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହେ ନାହିଁ, ସାଙ୍ଗମାନେ ତା'ର ଆମେ ଯେତିକି ବି ଜାଣିପାରୁ ତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଥ୍ରୁରୁ ଜାଣିଥାଉ, ତ ଅବିକା ବି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେତିକି ଜାଣିଛୁ ସବୁ ଆମକୁ କହିସାରିଲେଣି, ଆମେ ସବୁ ପୋଲିସ ମିଡ଼ିଆ ଆପଣଙ୍କ ଆଗେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ କହିସାରିଛୁ, ଯେତିକି ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣିନ ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଯାଇଥିଲା ତାକୁ ତମେ ଡକଉନ କ'ଣ ପାଇଁ? ଯିଏ ତାକୁ ବାଡ଼େଇଥିଲା ତାକୁ ଏଠି ଡକଉନ କ'ଣ ପାଇଁ? ସେ ପୋଲିସ ଡକେଇବେ, ପୋଲିସ କ'ଣ ପାଇଁ ଡକଉନି? କେତେବେଳେ ଡକେଇବ ସେ? ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ, ତୁଷାରକାନ୍ତଙ୍କର ଭାଇ, ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ, ତାଙ୍କ ମାମୁଁ, ତାଙ୍କ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସିଧାସଳଖ ଅଭିଯୋଗ ଯାହା ରହୁଛି ଯେ ଇମ୍ରାନ, ଗୋଟେ କଥା ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ କି ଯେଉଁ ମୃତଦେହଟି ଜୁବ୍ରା ଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ତାହା ହେଉଛି ତୁଷାରକାନ୍ତଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ତୁଷାରକାନ୍ତ ସେ ଜାଗାକୁ ଗଲେ କେମିତି, ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଇଛି ନା ଆଉ କିଛି କାରଣ କରାଇଛି, ଆ ପଛରେ ରହିଛି କ'ଣ ମାନେ ରହସ୍ୟ, ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ପରେ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ଇମ୍ରାନ, ରେଡ୍ଲେ ପ୍ରତିନିଧି ଇମ୍ରାନ ଖାନ୍। ଖବର ଜାରି ରହିବ, ସମୟ ଆଉ ଏକ ବ୍ରେକ୍ର। ପ୍ରିକ୍ରି ସ୍ୱାଗତ। ଭାରତ ବାୟୋଟେକ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଟିକା କୋଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍କୁ ହଙ୍ଗେରୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୁଡ୍ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବା GMP ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ହଙ୍ଗେରୀରୁ କୋଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍କୁ GMP ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମିଳିଥିବାରୁ ଏହା ଦେଶ ପାଇଁ ଭଲ ସଂକେତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହା ୟୁରୋପୀୟ କମ୍ୟୁନିଟିରୁ ଭାରତ ବାୟୋଟେକ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଥମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର। ତେବେ ଭାରତ ବାୟୋଟେକ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କୋଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଟିକା ଆଉ ଏକ ମାଇଲ୍ ଖୁଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଛି। GMP ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାଟାବେସ୍ରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହୋଇଛି।
ए संपर्क आलोचना करने रही आम प्रतिनिधि निहारिका रही निहारिका निहाति भाव में भारत प्रस्तुत जो रही मानने टीका कथा और खासकर भारत बायोटेक द्वारा जो प्रस्तुत कोवैक्सीन एवं जो भी भाव में बर्तमान आउ एक माइल खुंट मिली एटा भारत के सफलता भी आम कहीपर निश्चिंत भाव में यहाँ जमी आप कहे बर्तमान कोवैक्सीन को हंगेरी गवर्नमेंट द्वारा ए प्रकार सर्टिफिकेट प्रदान करवा गोटे बड़ स्वदेशी वैक्सीन कि माइल खुंट तो प्रथम कथा हूँ बर्तमान भारत बायोटेक जो बर्तमान हंगेरी जो अच्छा गवर्नमेंट अच्छा से मैंने कोवैक्सीन को जो बर्तमान GMP जोटा कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्राक्टिस जो सर्टिफिकेट से प्रदान करद्वारा कौन हो प्रथम कथा यूरोपियन बाजार रे भारत स्वदेशी वैक्सीन रो रास्ता खोली जाउची जेमती कि पूर्वरु आपण जानिचंती जे कोवैक्सीन बारंबार स्ट्रगल करि आस्तुला भारत बायोटेक तरफ रु इंडिया रु बाहर कंट्री को जाइके डिस्ट्रीब्यूशन पाइके इंडिया तरफ रु कोवैक्सीन प्रस्तुत हो सारीला इंडिया रे यूज हो सारी ट्रायल 3 ट्रायल रे भी सक्सेसफुल होईची किंतु प्रथम कथा होउची सबुबेले यूरोपियन कंट्री रे कोवैक्सीन रो डिस्ट्रीब्यूशन टा अटकी रहितला कारण तार कारण रही WHO जमी आप जानते WHO पाखे कोवैक्सीन तरफ अप्लाई कराई जरूरी कालीन व्यवहार पाई जो अनुमोदन दरकार से इमरजेन्सी यूज्र सर्टिफिकेट पाई WHO पाखे से मैंने अप्लाई करते कि बर्तमान सुधा सब बड़ कथा होल्दो कोवैक्सीन तरफ भारत बायोटेक तरफ सब प्रकार सर्टिफिकेट दिखाई जहाँ भी डॉक्यूमेंट अप्लाई दबा कथा दि जाइए किंतु बर्तमान सुधा WHO तरफ कंप्लीट क्लीयरेंस आसीनी तेणु ता भितर जितेबाला यूरोपियन मार्केट रे जमी हंगेरी गवर्नमेंट बर्तमान ये सर्टिफिकेट अनुमोदन कर सारे बर्तमान दे सारे कोवैक्सीन को तेणु निश्चय भाव में बहुत बड़ कथा यहाँ भारतीय स्वदेशी वैक्सीन जे यूरोपियन बाजार में बर्तमान कोवैक्सीन को स्थान मिल जाइए आउ जमती आम कहे से कि जो डाटाबेस लोड होता हूँ यूरोपियन डाटाबेस मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम जो थे कि कोवैक्सीन को हंगेरी तरफ सर्टिफिकेशन मिलला बोली से डाटाबेस जितेबले लोड करा जितेबले वर्तमान पाई कि यूरोपियन मार्केट रे वर्तमान यूरोपियन यूरोप्र अन्यान्य कंट्री को ये डाटाबेस तरफ रु निश्चिंत भाव लिंक जीव बा खबर जीव ए प्रकार ए स्तर में बर्तमान जमती कि आप कोवैक्सीन कथा कहतु कोवैक्सीन बर्तमान यूरोपियन बाजार बहुत बड़ ना कम बर्तमान पाई इंडिया पाई कि यहाँ बहुत बड़ निश्चय भाव में एक भल सूचना बोली आपर बहुत बहुत धन्यवाद निहारिका रेटलम प्रतिनिधि निहारिका तेज भारत बायोटेक द्वारा प्रस्तुत टीका कोवैक्सीन को हंगेरी कर्तृपक्ष द्वारा गुड मैन्युफैक्चरिंग सर्टिफिकेट प्रदान कर हंगेरी कोवैक्सीन को GMP प्रमाणपत्र मिलितवारु एहा देश पई भल संकेत बोली कहुछि सोरडा विधायकों शिक्षागत योग्यता को नहीं प्रश्न राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी भेटी ए अभियोग कर राज्य बीजेपी जड़े विधायक लगातार मिथ्या सत्यपाठ देखा बेले 5T कौन करुच्ची जड़े पाठ पढ़ी ऊपर क्लास को जे सोरडा विधायक ऊपर क्लास रु तल क्लास को आसुच्चन्ति 2009 दशम पास 2014 नवम पास आउ एबे मैट्रिक परीक्षा देउछन्ति तेणु यह सत्यपाठ नुहे मिथ्यापाठ तुरंत सभ्यपद मुख्य निर्वाचन अधिकारी रद्द करंतु बोली बीजेपी पक्षर दावी कर क्लास रु ऊपर क्लास को जानती आम जानी किंतु सोरडा विधायक पूर्णचंद्र स्वाईं जो कारनामा ये प्रथम थर पर ओडिशा इतिहास रे ऊपर क्लास रु तल क्लास को आसचंती समय क्रमे लगातार 2009 निर्वाचन पाखरु 2009 2014 2019 तीन निर्वाचन रे तीन प्रकार रो मिछ एफिडेविट से देर शिक्षागत योग्यता को लेकर 2009 से लिखिंट से 10 क्लास पास कर 2014 से कहते से 9 क्लास पास कर 2019 से कहते जे 9 क्लास पास कर आम एवं गणमाम देखुचे से मैट्रिक परीक्षा 2021 दौर तेणुता जाक सत्यपाठ नुहे मिथ्यापाठ संपूर्ण मिथ्यापाठ जड़े निर्वाचित प्रतिनिधि जड़े जननेता लोकंर आस्था विश्वास नहींकर से जीतिकी आसचंदी लोकों काम करने जे सत्यपाठ से सतकथ कही पारे से लोकंर कि सेवा करथुबो इतरु स्पष्ट जना पड़ुछि बिजू जनता दल विधायक माने नेता माने
ମୂଳରୁ ଚୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳି ମିଥ୍ୟା ସତ୍ୟପାଠ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଯାହାର ଗୋଚର ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଛୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏବଂ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ପାଖରେ ବି ଗୁହାରି ହେଇଛୁ। ସମୟ ହେଉଛି ବୁଲେଟିନ୍ କୋଡ଼ ରଖିବା। ନମସ୍କାର।